विल स्टार्ट विद द प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर की हम बात करते हैं कि जो प्रोजेक्टर होता है हमारे पास, ये किस लिए इस्तेमाल होता है। तो प्रोजेक्टर की अगर हम बात करें, यू कैन सी फ्रॉम द स्क्रीन, तो प्रोजेक्टर इसलिए इस्तेमाल होता है टू प्रोड्यूस एन आउटपुट ऑन स्क्रीन, द लार्जर आउटपुट ऑन स्क्रीन, के जो लार्जर ऑडियंस के लिए जो आउटपुट डिवाइस इस्तेमाल होती है। नॉर्मली यू कैन सी द डेटा ऑन योर मॉनिटर्स, आपके मॉनिटर में भी आपको डेटा नज़र आ रहा होता है, बट प्रोजेक्टर आपको जो नज़र आता है वो इसलिए इस्तेमाल होता है। यू कैन राइट इट डाउन कि प्रोजेक्टर इज यूज्ड टू प्रोड्यूस लार्जर आउटपुट ऑन स्क्रीन। आप लोग मुझे बता सकते हो कि इसकी एप्लीकेशन क्या होगी, कहाँ कहाँ इस्तेमाल हम कर सकते हैं? तो हम लोग कहाँ कहाँ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं सर? कहाँ कहाँ हम इसको बिजनेस मीटिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, सिनेमा में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, हम इसको शॉपिंग मॉल्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर प्रमोशंस वगैरह हमें किसी चीज की दिखानी है, ठीक है, हम स्कूल यूनिवर्सिटीज में इसको दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, एप्लीकेशन एरियाज जहाँ पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ जो बेहतर सवाल आ सकता है, शॉपिंग मॉल में कोई भी प्रोजेक्शन, कोई प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के बारे में आप बताना चाह रहे हो, इस्तेमाल कर सकते हैं, एग्जीबिशन इवेंट्स में होता है, ठीक है। तो लाइट प्रोजेक्टर की अगर हम बात करेंगे, तो लाइट प्रोजेक्टर क्या है सर? एक मिनट, वो वाली स्लाइड वापस कर रहा हूं, ठीक है। तो ये हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज है, इसकी दो टाइप्स होती है, एक LCD प्रोजेक्टर होता है और एक होता है DLP प्रोजेक्टर। जो प्रीवियस टेक्नोलॉजी है, यही कह सकते हो कि जो पुरानी टेक्नोलॉजी है वो होती है आपकी LCD, ठीक है। तो एक आपके पास DLP प्रोजेक्टर है और एक होता है LCD प्रोजेक्टर। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, जैसे कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स, पहले तो एक में ये देख सकते हो कि इसके डिफरेंसेस और एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस आ सकते हैं। आप ये देख सकते हो कि LCD जो होती है ना, उसकी इमेज शार्पर होती है, ठीक है, और इसकी बेटर कलर सैचुरेशन होती है, और एफिशिएंट होता है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, यानी पावर कंजम्पशन जो होती है वो LCD प्रोजेक्टर की कम होती है। ऑन दी अदर साइड अगर हम बात करें, तो जो कंट्रास्ट रेशियो होता है वो DLP के मुकाबले में इतना अच्छा नहीं होता। कंट्रास्ट का मतलब कितने ज़्यादा ब्राइट और शार्प कलर्स वो नहीं होते। बाकी जो LCD होती है, इसका लिमिटेड लाइफ स्पैन होता है, ये वक्त के साथ साथ धीरे धीरे डीग्रेड होता है। डीग्रेड का मतलब, जैसे नॉर्मली फर्स्ट टाइम आप इस्तेमाल कर रहे हो तो बहुत अच्छा आपको आउटपुट मिलेगा उसका स्क्रीन पे, धीरे धीरे वक्त के साथ साथ जो आउटपुट स्क्रीन पे आ रहा होगा वो भी डल डिम होना शुरू हो जाता है। लैंप इसका धीरे धीरे अपनी क्वालिटी को लूज करता है। तो कहते हैं कि जो इसके पैनल्स होते हैं वो ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं, तो ये वक्त के साथ साथ डिग्रेड भी होना होते जाते हैं। ये LCD हो गई। तो फायदे तो ये है कि शार्पर इमेज है, अच्छी कलर सैचुरेशन है और पावर कंजम्पशन यानी एफिशिएंट है। ऑन दी अदर साइड अगर आप DLP की बात करो, तो इसका हाई कंट्रास्ट रेशियो है, विविड कलर्स मिलेंगे, लॉन्गविटी इसकी ज्यादा है, शोर नहीं करता, इट रन्स क्विक, हल्के से चलता है, यानी शोर ज्यादा नहीं होता है इसका, ठीक है। इसके अंदर स्मॉलर होता है एज कम्पेयर्ड विद द LCD और बेटर सुइटेड टू द डस्टी और स्मोकी एनवायरनमेंट। बट एज कम्पेयर टू द डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें, जिसमें ग्रे कॉम्पोनेंट नहीं होता, इसके अंदर शेडोज आपको नजर आएंगे जब कोई मूविंग इमेज होगी, तो शेडो प्रोड्यूस होता हुआ नजर आएगा, और कलर डेफिनेशन LCD से हल्की होती है, यानी आप जब दो कंपेरिजन के अंदर लेके आओगे, लेट मी शो यू, आई वॉज शोइंग द कंपेरिजन टू द अदर स्टूडेंट्स के LCD और DLP की जब हम इमेजेस को देखते हैं, तो जो बेहतर कलर के साथ इमेजेस जो प्रोड्यूस होती हैं वो LCD के ऊपर होती हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ और फिर हम आगे बढ़ते हैं टू द प्रोजेक्टर। मैं थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट से ही दे रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू डिटेल ऑफ दीज थिंग्स। तो आई वुड रादर प्रेफर कि आप जो ज़्यादातर प्रिपरेशन अपनी करो, ठीक है, LCD वर्सेस DLP प्रोजेक्टर। तो आप अपनी जो ज़्यादा मेहनत वर्किंग करो, आपको पता होना चाहिए इस्तेमाल कहाँ पे हो रहे हैं, इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, इस पे आपने ज़्यादा फोकस देना है, क्योंकि अगर इसी के ऊपर चले जाओगे तो ये पूरा चैप्टर ही एक दिन ले जाता है, ठीक है ना। तो ये तो नहीं है, खैर एक इमेज और थी जो आ रही थी, ये तो खैर वो बता रहे हैं कि DLP प्रोजेक्टर कुछ अरसे बाद किस तरह से जो है ना डिग्रेडेशन उनकी चीज़ों पर होती है।
मैंने एक इसकी पिक्चर कल ही देखी थी, ये वाली। तो आप देख सकते हो कि ये एक तस्वीर आपको नजर आ रही होगी, ये एलसीडी। अगर आप देखो तो एलसीडी के कलर मोर विविड है, ज्यादा अच्छे कलर है, कलर डेफिनेशन वगैरह, कंट्रास्ट की बात नहीं कर रहा, लाइक उसका जो डिस्प्ले आ रहा है वो बहुत बेहतर है। वेयर इज दैट इमेज, ये रही। तो आप देख सकते हो, आप देखो लेफ्ट साइड के ऊपर, द कलर प्रोड्यूस बाय द एलसीडी प्रोजेक्टर कुछ डिफरेंट नजर आएगा आपको, एंड द कलर प्रोड्यूस बाय द डीएलपी। तो आप जब तक कंपैरिजन में देखोगे तब तक नहीं समझ में आएगी। तो आप कंपैरिजन से देख सकते हो कि एलसीडी किस तरह के कलर दे रही है और डीएलपी किस तरह के कलर दे रही है। तो इतना आपको एटलीस्ट इसके बारे में, तीन तीन पॉइंट्स के बारे में पता होना चाहिए। सर मूविंग ऑन, एलसीडी वही होता है लगा हुआ होता है जो हमारे घर में लगा हुआ होता है, टीवी एलसीडी वही होता है जो घर में लगा होता है, नॉर्मली तो यही है। अगर आप टीवी तो लेटेस्ट प्रोजेक्टर्स की बात करते हो तो वो डीएलपी होते हैं, सर अदरवाइज देखा वो वैसे आपको एलसीडी तो मिलता है। इनकी जैसे रिलायबिलिटी तो बहुत है। अब जैसे कुछ कुछ जगहों पे ये एलसीडी 5-6 साल भी चल जाते हैं। लैंप होता है ना इसका, मतलब 5-6 साल चल तो जाते हैं, उसके बाद तो खत्म होंगे ना। जब आप लॉन्गविटी की बात करते हो तो एज कम्पेयर विद आपने एक एलसीडी खरीदा और एक डीएलपी खरीदा, तो डीएलपी उसके मुकाबले में थोड़ा ज्यादा चलेगा, ये होता है। सही 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 सर जी बेटा कहिए, सुन रहा हूँ मैं। सर वो पूछना था लाइट प्रोजेक्टर्स के बारे में कि जो है उनके जो वर्किंग है ना, जैसे ये प्रोजेक्टर कैसे काम करते हैं, वो भी करना है या फिर वो भी नहीं रिमूव हो गया करना है था? वो भी नहीं है, वो भी नहीं है। मैं एक और अभी काम कर रहा हूँ, एक थोड़े से शॉर्ट मोड पर ट्रिम करके ना, इसी के शॉर्ट मोड ट्रिम करके, तो वो मैं आपसे इंशाल्लाह होपफुली कल तक शेयर कर दूंगा दोपहर में। तो आप तो क्या जो सर मेरी कल पार्ट है मतलब उसी में से कर लेना, ताकि आप लोग कंफ्यूज हो ही नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना। सर मतलब सिर्फ टच की वर्किंग के अलावा और किसी की नहीं है। बाकी सारी वर्किंग नहीं करूँ। एक और भी चीज़ आई है, कल मैं देख रहा था, रात का टाइम हो गया था तो मैंने शेयर नहीं की थी। तो उसके अंदर ये चीज थी कि अगर आपसे फाइल साइज कैलकुलेशन में के बी मांगता है, के बी सिर्फ, तो आपको आंसर फिर उसको 1000 से डिवाइड करना होगा। ये भी एक अपडेट है कि अगर ऊपर सवाल में एम बी लिखा हुआ है या के बी लिखा हुआ है, यानी के आई बी और एम आई बी नहीं लिखा हुआ, ये भी बात याद रखना कि अगर आपके पास सवाल में के बी या एम बी या जी बी लिखा हुआ है तो आपको फिर 1000 वाला यूनिट इस्तेमाल करना है, आपके लिए ज़्यादा आसान है ये, ठीक है। के बी एम बी जी बी अगर लिखा हुआ आ रहा है ना कि के बी एम बी जी बी में करो, तो फिर के बी एम बी जी बी वट एवर जो है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कैपिटल के, कैपिटल एम, कैपिटल जी, अगर वो पूछ रहा है ना, तो फिर आपको 1024 का इस्तेमाल नहीं करना। आप 1024 का इस्तेमाल उसी वक्त करोगे जब आपको के आई बी, एम आई बी और जी आई बी मिले, जब हाँ मतलब हाँ ये बात, स्मॉल की स्मॉल कैपिटल का इतना इशू नहीं है, बट ये कि अगर आपके पास के आई बी, एम आई बी और जी आई बी आए, जी आई बी आएगा ना, तो आप 1024 वाला यूनिट यूज करोगे, और अगर के बी, एम बी, जी बी यूज होगा तो फिर आप 1000 का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप देख लेना, सर तो अभी नोट्स कब कल तक शेयर करेंगे? कल दे दूंगा मैं, किस पे काम कर रहा हूँ कल दे दूंगा। और सर वो क्लास चैप्टर 2 क्या जब अपलोड हो जाएगी? चैप्टर 2 का तो मैंने कर दिया आज, आपने देखा नहीं है ग्रुप नहीं पे? नहीं मैंने चैप्टर 2 देख मैंने ग्रुप पे ना 1 और 2 के पूरा एक प्लेलिस्ट बना दिए, और 1 और 2 भेज दिए, इवन 3 की भी शुरू की, एक दो क्लास, एक दो वो भेज दिया मैंने। अब आपने करना ये है कि बस आज मैं आपको जो है ना वो 3 का भेजूंगा, 3 का ये जो पूरा कंप्लीट होगा इंशाल्लाह, तो अब तक का जितना हुआ वो सारा आपके पास आ जाएगा। 1 और 2 का मैं भेज चुका हूँ, आप ग्रुप पे चेक कर लेना। किसी ने चेक किया ग्रुप पे? किसी सही है सर। ने देखा ग्रुप पे, किसी को नजर आया? लिंक भेजा था मैंने, तो नहीं ये सर आ मैं गया, नजर ठीक है। अच्छा अब आ जाते हैं इसके अंदर भी क्या चीज है, इसमें देख लो, देखो इंकजेट और लेजर के अंदर जो अहम तरीन पॉइंट्स है ना, ये तो आ सकते हैं कि जैसे एक इंकजेट के अंदर होता क्या क्या, ये चीज पूछी जा सकती है। वो वर्किंग की बात नहीं कर रहा, बट वो ये पूछ सकता है कि एक इंकजेट में होता क्या है। तो इंकजेट के अंदर आपके पास 4 चीजों पे मिलके इंकजेट बना हुआ होता है, 4 चीजें होती हैं एक इंकजेट प्रिंटर में, और वो 4 चीजें क्या होती हैं, जैसे इंकजेट प्रिंटर है तो जाहिर है प्रिंटर है, तो इंकजेट की वजह से ना, एक बात याद रखना कि इंकजेट हमेशा इस्तेमाल करता है कार्टेज और लेजर इस्तेमाल करता है टोनर, तो ये 2 बातें तो आप याद रखो। अगर हम यहाँ आते हैं, ये मैंने यहाँ पे इसको लिखा हुआ भी था कि प्रिंटर पे आप जब आओगे तो पहले अपने पास ये लिख लो कि प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस यूज टू प्रोड्यूस आउटपुट ऑन पेपर। इंकजेट की जब आप बात करोगे तो इंकजेट में आप लिखना कि इंकजेट जो होता है
उसमें होती है कार्ट्रिज, TRIDGE, तो इंकजेट में होती है कार्ट्रिज और लेजर में होता है टोनर, ठीक है। एक तो ये बात है, फिर इसी तरह अगर इसके डिफरेंसेस में आए तो फिजिकल डिफरेंसेस भी इसके हमें नजर आते हैं। जैसे इंकजेट जो होता है इनएक्सपेंसिव टू बाय होता है, ऑपरेशनल कॉस्ट हाई होती है। लेजर जो होता है वो एक्सपेंसिव टू बाय है, ऑपरेशनल कॉस्ट लो है। यानी इंकजेट लोगे, उसका इस्तेमाल नहीं करोगे, इंक सूख जाएगी, फिर तुम्हें दोबारा से कार्टेज देनी पड़ेगी। लेजर है, लेजर में एक एक बार टोनर को फिल करा लोगे, लंबा चला सकते हो। लो पेजेस पर कार्टेज, जो ये कह सकते हो कि जो पेजेस निकाल के देगा वो कम होगा, यानी मैक्सिमम शुरू में नई कार्टेज पे 1000 पेज निकाल देगा, लेकिन जब आप लेजर की बात करोगे तो लेजर तो 2000 3000 4000 कॉपीज निकालता है। स्लो रेट ऑफ प्रिंटिंग है, उसके कंपैरिजन में हाई रेट ऑफ प्रिंटिंग है। फिर उसके अलावा कॉम्पैक्ट इन साइज होता है, छोटा होता है साइज में, और ये आपके पास ज्यादा स्पेस लेता है। इसका पांचवा पॉइंट मुझे एक और याद आ रहा है कि जो इंकजेट होता है इसकी जो पेपर फीड ट्रे होती है वो स्मॉल होती है। इंकजेट के अंदर जो फीड ट्रे होती है पेपर की वो स्मॉल होती है, उसका साइज कम होता है, यानी एक रिम डाल सकते हो। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि पेपर फीड ट्रे इज स्मॉल, पेपर फीड ट्रे इज स्मॉल। और जो लेजर होता है ना, लेजर के अंदर आप दो दो तीन तीन रिम डाल सकते हो, आपने रिम देखे होंगे पेजेस के, तो आप यहाँ लिख सकते हो कि हैज लार्जर पेपर ट्रे। हाँ, सर ये ये बात पॉइंट अगर सारे मैं, सही से दिखा देंगे? ये मैं इसकी PDF डायरेक्ट शेयर कर दूंगा बना के इसकी ना, ये इसमें लिखने में टाइम नहीं लगा, असल में चीजें ज्यादा हैं, तो मैं सिर्फ बस आप लोगों को गो थ्रू करा रहा हूँ ताकि आप लोगों को चीजें ना थोड़ी सी रिफ्रेश होती चली जाए। आप लोगों को कितना इफेक्टिव लग रहा है इस तरह से चीजों को लेकर चलना? आपका रिविजन कुछ आप लोगों को लग रहा है बेहतर अंदाज से हो रहा है? जी सर, सर ये PDF आज शेयर हो जाएगी ये वाली? थैंक ये भी हो जाएगी बेटा क्लास के बाद, इसमें कोई ज्यादा लंबा चौड़ा काम यू नहीं सर। होता, वो तो एक्सपोर्ट करनी होती है। तो बस इतना याद रखो, ये पूछा जा सकता है कि इंकजेट के चार हिस्से होते हैं। इंकजेट जो मिलके बना होता है उसके अंदर एक प्रिंट हेड होगा, प्रिंट हेड का मतलब ये अंदर ये वाला हिस्सा जो ये मूव करता रहेगा और कार्टेज लेफ्ट राइट जाती रहेगी ताकि पेपर के ऊपर प्रिंट होता रहे। एक इंक कार्टेज होगी जिसमें इंक होगी, एक स्टेपर मोटर और बेल्ट होगी। अगर मैं तुम्हें साइड व्यू बताऊं, ये प्रिंटर का साइड व्यू है, तो जाहिर है तुम यहाँ पेपर डालते हो, तो इस पेपर के बाद यहाँ पे एक मोटर लगी होती है और एक बेल्ट होता है। तो वो क्या करता है, वो बेसिकली जब ये मोटर चलेगी तो वो क्या करेगा, वो पेपर को ऊपर की तरफ मूव कराएगा। देखो लिखा हुआ भी है कि ये क्या काम करता है स्टेपर मोटर, स्टेपर मोटर ये करती है कि जो पेपर होता है, हाँ ये साइड व्यू में होगी आपके, और ये आपके पेपर को, देखो ये पेपर यहाँ से जा रहा है और यहाँ निकल रहा है, तो हवा में तो नहीं जा रहा ना, कोई ना कोई चीज होगी जो उसको स्लाइड मूव करवाएगी, वो स्टेपर मोटर है। सर मेरे पास लेजर जेट उसकी ट्रेस छोटी है लेकिन दो हैं दो है ना, तो ज्यादा हो जाती है ना, मतलब एक दो तीन भी जी आ सकती हैं, तो आपके पास छोटा वाला होगा। लेजर जेट तो बहुत बड़े बड़े प्रिंटर्स आते हैं, ठीक जी है। जी जैसे छोटा इंकजेट देख वाला लो है तो इंकजेट टेन छोटे, तो ट्वेंटी हाँ, तो ये पेपर फीड ट्रे है, ये जो आपको एरो दे रही है, ये चार चीजें याद रखना कि एक इंकजेट प्रिंटर में ये चार चीजें होती हैं। बाकी हम उस पर नहीं जाते कि ये सब चीजें क्या है, बिकॉज दैट विल टेक मच टाइम, और अभी इस डिस्क्रिप्शन को भी फिलहाल के लिए हम छोड़ते हैं, तो एप्लीकेशन को देख लेंगे। तो ये ऊपर दो बड़े पॉइंट्स नहीं है, ये भी एक्सक्लूड हो गए ये ये मैंने पढ़ाए में अभी इंकजेट फिलहाल, के। मैं नहीं पढ़ा रहा, लेकिन ये आप लोग अगर एक बार अच्छा इसको देख लोगे ना, हाँ साथ के बाद तो देखो एक मैं एक क्लास तुम्हारी ये है ना कि 4 5। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अभी तक आप लोगों की कोई क्लास रात को 11 12 बजे है? क्योंकि 1 घंटे की क्लास मेरी में और है कंडक्ट सर, करूंगा मुझे, मैं मेरी चाह रहा है हूँ कि कल भी बच्चों की क्लास थी इसलिए मैंने किया नहीं। अब जैसे अगर 3 करके हम 4 पे शुरू करते हैं, तो मैं चाह रहा हूँ आज 4 करा लूँ ताकि कल जाके 4 के बाद 5 या 6 में से कुछ कराऊँ, तो वो जो 1.5 चैप्टर का पार्ट रह जाएगा ना, फिर उसको कराऊंगा, तो वो तो सर। कराना मेरी ही है। कल सुबह हो सकता है? कल सुबह नहीं आज का बताओ ना, कल तो होगी एक क्लास जो होगी, आज तो आज की मेरी जो क्लास अभी है, आज मेरी 7 से रात 1 तक है क्लास। ऐसा क्या मैथ्स की पढ़ लो वर्कशॉप भाई, है, ऐसा क्या पढ़ लो इतना, मैथ्स की है इतना मुझे सर। तो हैरत हो रही है, बच्चे पाकिस्तान के इतना पढ़ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो हर आदमी करोड़पति अरबपति और बेहतरीन प्रोड्यूसर्स होने चाहिए यहाँ पे, बच्चे तो सारे डिस्टिंक्शन वाले। इस बार कराची में पता नहीं क्या हो गया, हर बच्चा वर्कशॉप ले रहा है, और इतनी बड़ी बड़ी वर्कशॉप सर चल रही है भाई के, मतलब पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा, वर्कशॉप में चीजें चल रही है। नहीं, वो पूरे तो साल क्लासेस चाहिए थी, एंड में सारी अब क्लासेस नहीं हो रही, एक ही सारे पता बच्चों नहीं की भाई, मिला देखो के वर्कशॉप हो रही है। मैंने अपनी कोई वर्कशॉप वर्कशॉप दी, मुझे काफी लोग बोलते रहे, मैं रिवीजन पे तो बिलीव करता हूँ कि चलो हम 2 2 3 3 घंटे की क्लास करेंगे, लेकिन 6 घंटे में दुनिया में कहीं पे ऐसा कुछ नहीं होता कि वो आपको सब कुछ भूल के पिला दे।
पता नहीं लोगों ने क्या चीज शुरू कर दी है, बस आदमी पूरे साल पढ़ता है। ये टाइम बच्चे का ना अपने आप को देने का होता है कि वो सुकून से बैठ के अपनी चीजें याद करे लिखे। टीचर्स ने पता नहीं क्या चीज बना दी है कि बस वर्कशॉप चल रही है बस। क्या कहते हो इसके बारे में, आप लोगों का क्या कहना है? सर वैसे एक बात है, मेरे सर ने जैसे केमिस्ट्री की ली थी वर्कशॉप, उसमें से 80% पेपर आ गया था कौन से सीआई वर्कशॉप में में? एक दिन। मेरे जो अपने ट्यूटर ने ली हाँ थी उसमें से अगले दिन, एक दिन पहले ली थी, 80% हाँ पेपर लग गया था उनका अच्छा, मैं तुम्हें तो पूरा कोर्स पढ़ा रहा हूँ, उसमें से 100% लगेगा। आप इंशाल्लाह। बोलो तो अब बात, मैं इंशाल्लाह इसलिए नहीं, मैं तुम्हें पूरा पढ़ा रहा हूँ ना भाई, जब पूरा पढ़ाऊंगा तो पूरे जी कोर्स में तो आएगा ना। बात तो ये कि देखो मैं कभी इस चीज पे बिलीव नहीं करता, लोग कहते हैं यार आप वो दे दें गैस पेपर। भाई गैस पेपर लग जाएगा, मेरा कोई अच्छा दिन होगा दुखे वाला दिन को शायद लगता है। सीआई से किसी भी आदमी का लिंक थोड़ी होता कि आदमी जो है ना वो होता फिर कि मैंने जो बताया था वो आया है, ऐसा तो कुछ नहीं होता। एक बार स्टडी है, स्टडी को स्टडी की तरह ले, आदमी पूरा पढ़े, पूरी चीजें आपको होनी चाहिए और आप सुकून से अपने आप से कर रहे हो। यार ये जो वर्कशॉप वाले चक्कर हो, इन्होंने बच्चों को बड़ा जो है ना मतलब पैम्पर कर दिया है। बच्चे सोचते हैं कि बस हम वर्कशॉप कर लेंगे हमारी प्रिपरेशन हो जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। खैर देखो इसको मैं अभी फिलहाल के लिए स्किप कर रहा हूँ, मैथ्स पे नहीं जाऊंगा इसको। सर, मैं 4 से 7 ले लें क्लास पूरा एक लंबा 4 to 7 कब? आज अभी। नहीं अभी तो 6 था के, फिर बच्चों की 6:15 बजे क्लास है। तो रात का मुझे आप लोग बताओ कोई टाइम, रात बात का बताओ तो फिर हम देखें उसमें। मैं खैर देख लूंगा, खैर अभी पहले इसको जरा देखो, पहले इसको निपटाते हैं। देखो एप्लीकेशन ऑफ इंकजेट प्रिंटर की अगर हम बात करें, एप्लीकेशन का मतलब होता है ये इस्तेमाल कहाँ होते हैं। ठीक है, नंबर वन इंकजेट प्रिंटर का मेन यूज ही है कि इसकी प्रिंटिंग बहुत अच्छी होती है, क्योंकि ये इंक का इस्तेमाल करता है। जब इंक का इस्तेमाल करेगा तो इसकी क्वालिटी ऑफ प्रिंट बहुत अच्छी होगी, और फिर इसके अंदर ये होगा स्मॉल इंक कार्टेज है, यहाँ पे बता भी रहा है कि कार्टेज भी स्मॉल है, पेपर ट्रे भी स्मॉल होती है। बाकी लेजर की अगर हम बात करें तो ये हाई क्वालिटी प्रिंट आउट देता है और बहुत तेज प्रिंट निकालता है, यानी 1 मिनट के अंदर अच्छे खासे डॉक्यूमेंट्स निकाल लेता है। और फिर ये कि ये इसमें लिखा हुआ भी है कि आप जैसे इंकजेट है ना, इंकजेट आप लिख सकते हो, इंकजेट इस्तेमाल होती है वन ऑफ फोटो प्रिंटिंग के लिए, वन ऑफ फोटो प्रिंटिंग। नॉर्मली आप जो निकालते हो ना, क्या कहते हैं, अपनी तस्वीरें निकालते हो, ठीक है, तो उसके लिए आप इंकजेट का इस्तेमाल करते हो, या फिर कलरफुल लीफलेट्स वगैरह। ठीक है तो ये हो जाएगा, रात में फ्री है, चलो इसको हम डिस्कस करने क्लास के एंड में। बाकी लेजर प्रिंटर की तो मैं आपको बता चुका हूँ, लेजर प्रिंटर जो होता है वो दोनों तरह से मोनोक्रोम भी यानी सिंगल कलर में भी निकाल देगा और कलर में भी निकाल देगा। ये आपके 1000 2000 फ्लायर्स वगैरह होते हैं ना एडवर्टाइजमेंट्स में इस्तेमाल करते हो, पोस्टर बनाते हो, ये वहां पर इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, इसमें उसने बता दिया कि इसका जो टोनर होता है वो बड़ा होता है, इसका जो पेपर ट्रे होती है वो बड़ी होती है, तो रीम ऑफ पेपर जो है वो ज्यादा होने की वजह से आप इसमें ज्यादा पेपर, हाँ नीचे भी है ऊपर भी, तकरीबन 3 3 ट्रे होती है इसके अंदर, तो काफी हद तक होती है। बाकी थर्ड टाइप ऑफ आपके पास जो प्रिंटर है वो 3D प्रिंटर है। 3D प्रिंटर में जो है आपके पास एक दो तीन, देखो पहले मैंने कल भी ये बात आप लोगों को बताई थी कि आपको हर चीज के बारे में ना 4 पॉइंट तो कम से कम आप बोलने वाले हो। जैसे 3D प्रिंटर क्या है, 3D प्रिंटर आर यूज टू प्रोड्यूस सॉलिड ऑब्जेक्ट्स दैट एक्चुअली वर्क। देखो ये एक पॉइंट आ गया, ठीक है, बाकी क्या आ गया, दे आर बेस्ड ऑन इंकजेट एंड लेजर प्रिंटर टेक्नोलॉजी। ये बेस्ड किस पे होते हैं, इंकजेट, यानी इसमें से इंक भी गिर के प्रोडक्ट बना सकती है और इसके अंदर से लेजर के जरिए भी प्रोडक्शन हो सकती है, तो ये काम होगा। तीसरा पॉइंट, द सॉलिड ऑब्जेक्ट इज बिल्ट लेयर बाय लेयर। इसके अंदर जैसे यहाँ से शुरुआत होती है किसी भी चीज के बनने की, और बनते 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 ऐसे ऊपर करके कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो बन सकता है। ये पूछ सकता है कि 3D प्रिंटर में क्या क्या इस्तेमाल होता है, पाउडर्ड रिजिन, पाउडर्ड मेटल, पेपर और सिरामिक, ये इसमें इस्तेमाल होते हैं, यानी इन मटेरियल से ये बनता है। अच्छा उसके अलावा जो काम की चीज है वो ये थोड़ी सी मैं आपको समझा दूं, इसके सारी चीजें नहीं बता रहा मैं, इसके कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ। देखो एक जो प्रिंटिंग होती है ना वो होती है सब्ट्रैक्टिव प्रिंटिंग। सब्ट्रैक्टिव में क्या होगा, जैसे आपको पूरा एक ऑब्जेक्ट दे दिया जाएगा, पूरा लकड़ी का टुकड़ा या पूरा लोहे का टुकड़ा, उसको आप मशीन के जरिए काटोगे, कार्व करोगे और कार्व करके उसमें से कुछ बनाओगे। जैसे मुजस्मे बनता है, तो मुजस्मे में क्या होता है, मुजस्मे में आपको एक पूरा सॉलिड पीस दे दिया और आप उसको, वैसे तो नॉर्मली आपने मैनुअल देखा होगा छेनी हथौड़े से लोग काम कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है छेनी हथौड़े से, लेकिन ये यहाँ पे मशीन के जरिए ये वाला काम हो रहा होता है कि वो उस लोहे में से, उस लकड़ी में से काट 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 के कोई ना कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता है। इस चीज को हम कहते हैं सब्ट्रैक्टिव। तो
ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए। दूसरा कॉन्सेप्ट ये था कि ये वाला जो मैंने बताया यहाँ पे जो लेयर बाय लेयर बन रहा है इसको हम कहते हैं एडिटिव। एडिटिव एडिटिव कहने की वजह यही गई है, ऐड हो रहा है इसके अंदर मटेरियल ऐड हो रहा है। फिर एक चीज आती है डायरेक्ट 3D प्रिंटिंग। डायरेक्ट 3D प्रिंटिंग में क्या होगा, प्रिंट हेड मूव लेफ्ट टू राइट, यानी आपका ये एक जगह है और यहाँ पे प्रिंट हेड चल रहा है, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव करेगा और जो बनाना होगा उसको बनाएगा। और दूसरी चीज होती है बाइंडर। बाइंडर में याद रखना बाइंडर में दो पासेज होते हैं, सर पैरेलल मूव मतलब करेगा, पैरेलल नहीं यानी ऊपर से, जैसे आपके हाथ में पेन है और आप लेफ्ट राइट उसको मूव कर रहे हो, पैरेलल नहीं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ ये वो हिस्सा है जहाँ से पेन अटैच हुआ है और यहाँ से, यानी ये तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट है जहाँ पे कुछ प्रिंट होगा और ये यहाँ से यहाँ तक मूवमेंट करेगा, ऐसे ऐसे मूवमेंट करते रहेगा और आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। सही ये है डायरेक्ट वाला। जैसे बचपन में शायद याद हो कि हम लोग सिक्के के ऊपर पेपर रखते थे और पेंसिल से ऊपर कलर करते थे, तो अब जैसे ऑब्जेक्ट बन जाएगा तो हम जैसे उसको स्टेप बाय स्टेप कर रहे होते थे तो वो डायरेक्ट 3D प्रिंटिंग है। अच्छा बाइंडर 3D प्रिंटिंग में याद रखना, बाइंडर 3D प्रिंटिंग में दो पासेस का मतलब है टू स्टेप्स। यानी बाइंडर में क्या होता है, सबसे पहले आप ड्राई पाउडर जो है वो स्प्रे करते हो नंबर वन, और नंबर टू के अंदर सेकंड पास में जो ग्लू होता है बाइंडर, जो ग्लू होता है उसको स्प्रे करते हो। बस इतना इसमें याद रखना काफी है। 3D प्रिंटिंग में एक तो एडिटिव भी होती है और सब्ट्रैक्टिव भी होती है, और इसके अंदर ये बात सर ये बाइंडर वाला वापस बताएंगे। बेटा बाइंडर में ऐसा होता है कि बाइंडर बाइंड बाइंड कर रहा है, बाइंड का मतलब ये है कि इस मेथड में दो स्टेप्स होते हैं। पहले स्टेप के अंदर आपको जो बनाना है ड्राई पाउडर स्प्रे कर दो और उसके बाद उसके ऊपर लिक्विड ग्लू डाल दो, तो इसलिए इसको हम टू पासेस वाला बाइंडर कहते हैं। तो बाइंडर क्या करता है कि जो आपका वो होता है ना पाउडर, उस पाउडर के ऊपर जब ग्लू लगता है तो वो सॉलिड ऑब्जेक्ट में तब्दील हो जाता है। ये आ गया। बाकी ये सवाल जंबल अब होके आ सकता है, ये मैं बता देता हूँ। 3D प्रिंटिंग होगी कैसे, 3D प्रिंटिंग करने के लिए सबसे पहले आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए होगा जिसका नाम होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। वो सॉफ्टवेयर उस पर बैठ के आप ऑब्जेक्ट बनाओगे, उसको बनाने के बाद अब आप उसको किसी स्पेशल सॉफ्टवेयर के जरिए एक सर्टेन फॉर्मेट में सेव कर लोगे, फिर 3D प्रिंटर सेटअप हो जाएगा यानी अटैच वगैरह कर लोगे। उसके बाद जो सॉलिड ऑब्जेक्ट है वो धीरे धीरे बनना शुरू हो जाएगा और तकरीबन 1 मिलीमीटर की थिकनेस के साथ धीरे 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 सॉलिड ऑब्जेक्ट बनता है। जो बच्चे मेरे साथ शुरू से पढ़ रहे हैं उनको मैंने वीडियोस भी दिखाई थी कि किस तरह से लेयर बाय लेयर जो है वो 3D ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है। फिर बाकी ये कि जब आपका एक बार 3D प्रिंटिंग हो जाती है तो जो एक्सेसिव मटेरियल है, ऐसा भी होता है ना प्रिंटिंग में तो होता ही है, तो वो कहता है कि जब ऑब्जेक्ट जो होता है फिर उसको रिमूव कर देते हैं और जेली लाइक सपोर्ट दैट नीड्स टू बी वॉश अवे बाय इमर्जन इन वाटर, तो आपके पास क्या होता है कि उसके ऊपर जो कोई भी फाजिल यानी कि स्पेयर मटेरियल लगा हुआ रह जाता है उसको थोड़ा सा आप हटा देते हो, तो जो भी रिमूवल ऑफ एक्सेस प्लास्टिक पाउडर है या जो भी रिमूवल होता है एक्सेस मटेरियल का उसको आप वहां से कट अवे कर देते हो। तो ये आप इसके 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट्स ऐसे याद रख सकते हो कि वो जंबल अब होके आ जाए तो आपको पता हो कि आप कैसे कर सकते हो। तो ये तो हो गया 3D। अब 3D के बाद हम देखें नेक्स्ट। सर ये जंबल अब होके आएगा या ऐसा आएगा खाली दिया हुआ पर हमें स्टेप्स लिखने को दे दिए, ये भी हो सकता है, बहुत चांसेस कम है। अमूमन देखो वो खुद भी CIS में कहता है कि आपसे कुछ ऐसी चीजें नहीं मांगेगा जिसके लिए आपको याद रखने की ज्यादा जरूरत पड़े। अब ये 5-5 वाली चीज है ना, ये अमूमन इतना रट्टा नहीं मांगेगा आपसे, तो आप पॉइंट बना के याद रख सकते हो कि कैड सॉफ्टवेयर होगा, फिर उस सॉफ्टवेयर को फाइनलाइज करोगे, 3D प्रिंटर को सेटअप करोगे, लेयर बाय लेयर बनेगा और जो एक्सेसिव मटेरियल है उसको रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अब आप लिखो यूज ऑफ 3D प्रिंटिंग। ये बड़ा अहम सवाल है और इसका अहम जवाब भी है, 4 मार्क का 3 मार्क का आराम से आता है। भाई 3D प्रिंटिंग का इस्तेमाल होगा आर्टिफिशियल जॉइंट्स एंड लिम्स, हाथ पांव खुदाने वास्ता किसी के नहीं है तो उसके आर्टिफिशियल जो प्रोस्थेटिक लिम्स होते हैं, तो लिखा हुआ भी आ रहा था कवरिंग ऑफ प्रोस्थेटिक लिम्स, हाथ पांव बना के लगा दोगे। मेकिंग आइटम टू अलाउ प्रिसीजन रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, जैसे किसी की फेशियल रिकंस्ट्रक्शन करनी है, एक्सीडेंट हो गया और आप बोलते हो यार अब इसका चेहरा कैसे बनेगा, तो पहले आप उसको 3D के ऊपर बना के देखोगे। तीसरी चीज एयर स्पेस के अंदर मैन्युफैक्चरिंग आर लुकिंग एट मेकिंग विंग्स एंड अदर पार्ट्स, यानी दूसरा वाला पॉइंट वापस से समझा दो। दूसरा वाला पॉइंट ये है कि फेशियल रिकंस्ट्रक्शन में, यानी अगर किसी का एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं तो दोबारा उसका फेस कैसे कंस्ट्रक्ट होगा, उसकी 3D डिजाइनिंग होती है और फिर उसके ऊपर 3D प्रिंटिंग होती है। ठीक है, पहला वाला
पहला वाला तो ये कह रहा है ना, जो आर्टिफिशियल लिम्स होते हैं ना, ज्वाइंट, हाथ पांव, किसी लोग के किसी एक्सीडेंट की वजह से कट गए, एक हाथ कट गया, एक पांव कट गया, तो उसको भी बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। अब सिलिकॉन से बनते हैं ना, ऐसे बहुत सारे वो बन रहे हैं, एडॉन्स बन रहे हैं ना, तो आप हाथ पांव लगा सकते हो इजिली। बाकी फैशन और 3D आर्ट डिजाइनिंग के अंदर इस्तेमाल हो सकता है, और मेकिंग पार्ट्स ऑफ आइटम्स नो लॉन्गर इन प्रोडक्शन। तो कुछ गाड़ियां हैं पुरानी हो गई हैं, उनके कार्ट्स मार्केट में अवेलेबल नहीं है पार्ट्स, आप वो भी कर सकते हो। क्लोरे बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आपको ना कम से कम तीन तीन तो जो है ना, इनकी चीजों के बारे में पता होना चाहिए। अभी ऐसा है कि अभी नहीं, अभी 7 मिनट है ना, 7 मिनट में एक कॉन्सेप्ट हम निकाल लेंगे। तो ये चीजें आप अपने पास देख लो, ठीक है, तो ये कर लो। अब हम आगे की तरफ पढ़ते हैं, ठीक है, तो तीन तीन पॉइंट्स आप कर लो, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। स्क्रीन आपको आउटपुट ऑन स्क्रीन दे रही है, यानी आउटपुट जो देखते हो आप वो स्क्रीन पे देखते हो। एक बात तो ये पता होना चाहिए कि एलईडी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलईडी और एलसीडी है ना, एलईडी का होता है लाइट इमिटिंग डायोड, और एलसीडी का होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये लिख लो अपने पास, एलईडी, ये नई टेक्नोलॉजी है, ये लाइट इमिटिंग डायोड, एलसीडी का है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये दो चीजें आ रही हैं, एलईडी और एलसीडी। आप लोगों ने देखा होगा एलईडी ही आ रही होती हैं, तो जाहिर है जैसे एलईडी प्रोजेक्टर, वो हमने डीएलवी प्रोजेक्टर और एलसीडी प्रोजेक्टर देखा था, वैसे ही हमारे पास एलसीडी और एलईडी आ जाएंगे। तो अब इसमें हो क्या रहा है, इसमें देखो ये हो रहा है कि इसके जो मेन डिफरेंसेस जो आते हैं ना, वो यहाँ से शुरू होते हैं, यहाँ सर डीएलवी वाली में स्लाइड में डायोड लिखा था लाइट इमिटिंग डायोड, DIODE, और ये ठीक है, क्रिस्टल डिस्प्ले है ना। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है। तो एलईडी आपने खुद देखा होगा, पुराने जमाने के टीवी आपने देखा होगा, खोलते थे ना तो ब्लैक ग्रे स्क्रीन आती थी, 5 सेकंड 10 सेकंड बाद तस्वीर आती थी। लेकिन अगर आप लोग अब एलईडी खोलते हो तो फटाफट आ जाती है। तो इसका मतलब ये कि एलईडी जो है अपनी ब्राइटनेस के ऊपर फौरन से पहुंच जाती है, उसको कोई वार्म अप टाइम नहीं चाहिए होता। एलईडी जो होती है वो व्हाइट लाइट प्रोड्यूसेस करती है, जिससे इमेज शार्प होती है और ज्यादा शोक कलर, विविड कलर नजर आते हैं, ठीक है। एलईडी जो होती है वो ब्राइटर लाइट प्रोड्यूस करती है, जिससे कलर डेफिनेशन अच्छी आती हैं। और मॉनिटर यूजिंग एलईडी टेक्नोलॉजी आर मच मोर थिनर। आपने खुद देखा है कि एलईडी जो है वो पतली पतली आती है, यानी थिन होती है, और एलईडी लास्ट इनडेफिनेटली लंबा चलती है। जैसे एलसीडी की भी हम बात करें, वो ऑर्गेनिक मटेरियल से बनी हुई होती है, तो वो धीरे धीरे वक्त के साथ येलोइश शेड देना शुरू कर जाती है, डिम हो जाती है। लेकिन यहाँ पे जो एलईडी है वो लंबा चलती है, और इसकी पावर कंजम्पशन भी कम होती है। आसान से याद रखने के लिए ये चीज हो सकती है कि ये थिन होती हैं, ये लंबा चलती हैं, और इनकी पावर कंजम्पशन कम होती है। एटलीस्ट ये तीन पॉइंट आप इसके आराम से याद रख सकते हो। तो ये आप लोग अपने पास नोट डाउन कर लो कि दे आर थिनर, दे लास्ट इनडेफिनेटली, एंड दे कंज्यूम्स वेरी लिटिल पावर। तो ये तीन पॉइंट्स आप अपने पास जरूर लिख लो। ये एलईडी के एडवांटेजेस हैं। ये एलईडी के एडवांटेजेस हैं, हाँ बिल्कुल। इनकी रिलायबिलिटी ज्यादा होती होगी। एलईडी की रिलायबिलिटी डेफिनेटली ज्यादा है। आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा जी, आगे क्या है, नेक्स्ट है ऑर्गेनिक। थोड़ी सी डिफरेंट है, ऑर्गेनिक की जब हम बात करें तो ऑर्गेनिक का ये फायदा होता है, ऑर्गेनिक कर्व होती है, आप लोगों ने जो देखा होगा, अब जो स्क्रीन आती है वो कर्व होती है, जिसका व्यू एंगल ज्यादा बड़ा होता है। यानी नॉर्मली तो हम स्क्वायर वाली देखा करते थे ना, अब हम ओलेट की अगर हम बात करें, ओलेट का एक तो ये फायदा भी है कि ओलेट, अब ओलेट जो होता है ना वो फ्लेक्सिबल है, ठीक है। फ्लेक्सिबल का मतलब ये भी होता है कि इसमें ये, यानी शूज के ऊपर भी इस्तेमाल हो रहा है, ये ड्रेसेस भी बन रहे हैं इसके, तो आप भी देख सकते हो ये मतलब डिफरेंट लार्जर साइज के अंदर भी होगी, कर्व भी होगी, बैंड भी। आप लोगों ने शायद देखा होगा एक फोल्डेबल स्क्रीन वाला लैपटॉप भी आया हुआ, और एक मोबाइल फोन भी है, जैसे ये देख रहे हो आप एल जी ऑलेड,
इसका ये होता है क्योंकि ये ऑर्गेनिक मटेरियल से, ये प्लास्टिक से बनी है ना, प्लास्टिक बेंड हो जाता है, ठीक है, तो ऑलेड का फायदा ये होता है, तो डेफिनेटली फिर पावर कंजम्पशन में भी अच्छा होगा ये, यहाँ पे इसके भी उसने बताए हुए थे। हाँ, तो ऑलेड के एडवांटेज क्या बता रहा है, एक तो ये प्लास्टिक से मिलके बना होता है जिसकी वजह से थिनर है, लाइटर है, फ्लेक्सिबल है। दूसरी चीज उसमें ये कहता है कि इट इज मेड ऑफ प्लास्टिक, तो ग्लास की बजाय ये प्लास्टिक से मिलके बना हुआ होता है, तो एक ये चीज आ गई। और ये मजीद ब्राइटर लाइट देता है एलईडी से, जैसे एलईडी सीसीएफएल से अच्छा था, अब एलईडी से भी अच्छा कौन सा है, ऑलेड है। अच्छा, ऑलेड डो नॉट रिक्वायर बैक लाइटिंग टेक्नोलॉजी। देखो बैक लाइट ये होती है कि ये एक स्क्रीन है और इस स्क्रीन के पीछे अगर आप कोई लाइट सोर्स दे रहे हो वो लाइट सोर्स पढ़ने से ये इल्यूमिनेट हो जाएगी, जल जाएगी। तो नॉर्मल एलसीडीज में आपको बैक लाइट मिलती है, बैक लाइट का मतलब उसके पीछे लाइट सोर्स की जरूरत होती है, लेकिन एलईडी और ओलेड में आपको बैक लाइट की जरूरत नहीं होती बिकॉज दे प्रोड्यूसेस देयर ओन लाइट। ये बड़ा अहम पॉइंट है, इसको याद रखना कि ओलेड जो है वो अपनी ओन लाइट प्रोड्यूस करती है और जिसकी वजह से इनकी पावर कंजम्पशन भी कम होती है, ठीक है। एलईडी भी नहीं रिक्वायर करती, एलईडी की भी बैकलाइट की जरूरत नहीं होती, वो अपनी खुद प्रोड्यूस करती है, एलईडी प्रोड्यूसेस देयर ओन लाइट। तो ये आ गया। फिर ये प्लास्टिक से मिलके बनी होती है, तो ये लार्ज भी होती है, ये थिन भी होती है, और इनका जो फील्ड व्यू होता है यानी इनको जो देखा जा सकता है वो 170 डिग्री के एंगल पे भी देखा जा सकता है। तो क्लास जो है आप लोग रिज्वाइन कर लो खत्म होने से पहले।